हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट वर्क लैब्स। सो टुडे इज 18th ऑफ दिसंबर एंड चलिए देखते हैं कि आज के न्यूज़पेपर्स में हमारे लिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से काम की चीज़ें क्या रही हैं। देखिए फर्स्ट न्यूज़ आइटम, सो ये हिंदू में एक आर्टिकल अपीयर हुआ है जो बेसिकली एनालाइज करता है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को। सो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जनरली हम लोग GS2 या GS3 के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, बट चूंकि UPSC में कई बार वो पर्टिकुलर एक्ट्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सो हमें समझना होगा कि यहाँ पे इसके प्रोविजंस क्या हैं और इसके बेसिकली चैलेंजेस क्या हैं, करंट स्टेटस क्या है। ये टॉपिक आपको बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज इन GS2 एंड GS3 मेंस में भी हेल्प करेगा। सो देखिए, इंडिया में ट्रेडिशनली जो हमारे ट्राइबल्स हैं वो हजारों सालों से फॉरेस्ट में रहते आए हैं और उनके पास में और बेसिकली दे हैड एक्सेस टू ऑल द रिसोर्सेज, ठीक है, फॉर देयर सर्वाइवल नीड्स। लाइक दे कैन कट ट्रीज फॉर द लाइवलीहुड, दे कैन बेसिकली एक्सट्रैक्ट हनी, ठीक है, फॉर देयर ओन कंजम्पशन। बट दिस पर्टिकुलर सिनेरियो चेंज्ड आफ्टर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश। सो ब्रिटिश बेसिकली सॉ फॉरेस्ट एज अ सोर्स ऑफ रिवेन्यू, राइट। दे बेसिकली नेशनलाइज्ड ऑल द फॉरेस्ट, दे सेट दैट जितने भी फॉरेस्ट हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा। इसीलिए 1878 में ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट एक्ट लेके आया जहाँ पर यह बोला गया कि एमिनेंट डोमेन, इस कीवर्ड को याद रखिएगा, एमिनेंट डोमेन। दिस बेसिकली मीन्स दैट द गवर्नमेंट हैड राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स ओवर द फॉरेस्ट एंड इट्स रिसोर्सेज एंड नॉट द ट्राइबल्स, ठीक है। तो इससे इम्पैक्ट क्या हुआ कि ट्राइबल्स को फोर्सफुली डिस्प्लेस किया गया, उनका जो एक रिलेशनशिप था नेचर के साथ में वो ब्रेक हो गया, ठीक है। कई जगह पर जो पेजेंट्स हैं, ट्राइबल्स हैं, हम लोग प्रैक्टिस करते थे शिफ्टिंग कल्टिवेशन, सो वो करना यहाँ पर इम्पॉसिबल हो गया। उससे और भी लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज है, जैसे ट्राइबल्स या पेजेंट्स को बॉन्डेड लेबर उन्हीं की जमीन पर बना दिया गया। सो दिस सिनेरियो वॉज ट्राइड टू बी चेंज्ड through the Forest Rights Act 2006. So the aim of this particular law is free forest dwellers who are tribals from historic injustice, right? Historic injustice is what has been done by the British and also by the Indian government post-independence. Just like you know, post-independence, various developmental projects ke liye, tribals ka forced displacements kiya gaya hai, theek hai? तो वो जो हिस्टोरिक इनजस्टिस है उसको करेक्ट करने के लिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में इंप्लीमेंट किया गया एंड डेमोक्रेटाइज फॉरेस्ट गवर्नेंस। सो ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट गवर्नेंस के लिए इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का बेसिकली क्रिएशन किया। तो जो फॉरेस्ट को लेकर डिसीजन मेकिंग है कि हाउ टू कंजर्व द फॉरेस्ट, हाउ टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, वो पावर बेसिकली ब्यूरोक्रेसी के पास आ गई थी। सो उसी को थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज करने के लिए एंड डेमोक्रेटाइज करने के लिए यहाँ पर ग्राम सभा जो होती हैं उनको ये वाली पावर्स दी गई कि हाउ टू मैनेज देयर फॉरेस्ट्स। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के मेन प्रोविजंस क्या हैं, हमें ये चीज़ याद रखनी है। सो बेसिकली आप यहाँ पे तीन हेडिंग्स में डिवाइड कर सकते हैं जो इसके वेरियस प्रोविजंस हैं। फर्स्ट है इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स। सो ये पर्टिकुलर प्रोविजन ये कहता है कि टाइटल राइट्स अप टू 4 हेक्टेयर टू ईच एंड एवरी पर्सन हु इज़ लिविंग इन द फॉरेस्ट, राइट। जो भी ट्राइबल कम्युनिटी, जो भी ट्राइबल पर्सन है वो 4 हेक्टेयर तक जो है टाइटल राइट्स, विच इज़ बेसिकली प्रॉपर्टी राइट, कि वो ज़मीन उसकी है, वो जो ग्रो करना चाहे वो कर सकता है, ये चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड करी गई है। टिल डेट अप्लीकेशंस हैव बीन 52 लाख फॉर द टाइटल्स एंड ओनली 19 लाख टाइटल्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। एंड द सेकेंड इंडिविजुअल राइट्स विच वर गिवन वॉज एक्सट्रैक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, MFP। सो वॉट आर MFP? बेसिकली जो भी प्रोडक्ट्स आप फॉरेस्ट में से कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, लाइक आपका हनी हो गया, लाइक आपका बैम्बू हो गया, उसको हम लोग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोलते हैं। सो ट्राइबल्स के पास से राइट थे कि वो अपने सस्टेनेंस के लिए, ठीक है, फॉरेस्ट को यूज़ करके वहाँ से इस तरह के प्रोड्यूसर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जो यहाँ पे सेकेंड प्रोविजन है, इट वॉज अबाउट द कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स, कि नॉट जस्ट इंडिविजुअल्स, द कम्युनिटी एज ए होल हैव ए राइट टू कंजर्व एंड मैनेज देयर फॉरेस्ट, बिकॉज देश के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग कल्चरल बेसिकली कल्चरल आपके
वेज हो सकते हैं टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द फॉरेस्ट. सो वहाँ का जो लोकल कंटेक्स्ट है, ट्राइबल्स उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व करना चाहते हैं, ठीक है, वो राइट्स यहाँ पर कम्युनिटी को दिए गए, ट्राइबल कम्युनिटी को दिए गए. और जो थर्ड सेट ऑफ प्रोविजन है वो है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट गवर्नेंस. सो देखिए, बेसिकली पहले क्या होता था कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना है, सो गवर्नमेंट कैन कम इन, प्राइवेट प्लेयर्स कैन कम इन, कॉर्पोरेट्स कैन कम इन, एंड सिंपली ट्राइबल्स वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर लैंड्स, विच इन टर्न लीड्स टू वेरियस प्रोटेस्ट्स. जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, नर्मदा डैम जब बना था, सो नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था, ठीक है. सो दिस दैट वॉज ऑल्सो बेसिकली अ डिसकंटेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट्स फोर्स्ड डिसप्लेसमेंट पॉलिसीज. उसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रोविजन डाला गया कि जो फॉरेस्ट का गवर्नेंस है उसको डिसेंट्रलाइज किया जाए. इसमें बेसिकली ग्राम सभास फॉर्म करी गई, जिसको ये पावर्स दी गई कि दे वर एंटाइटल्ड टू बेसिकली हैव ए रेफरेंडम अमंग द ट्राइबल्स एंड दे कैन रिजेक्ट एनी प्रोजेक्ट विच दे थिंक आर हार्मिंग देयर इंटरेस्ट, राइट. इसका एक बहुत सक्सेसफुल एग्जाम्पल है नियामगिरी. सो नियामगिरी हिल्स आर बेसिकली एन एरिया इन उड़ीसा जहाँ पर लार्ज मात्रा में आपको बॉक्साइट मिलता है. सो इन 2011 द वेदांता ग्रुप, राइट, इट ट्राइड टू एक्सट्रैक्ट बॉक्साइट विच लेड टू प्रोटेस्ट. और यहाँ पे जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, इसको अपहेल्ड किया कि अंडर FRA अगर ग्राम सभा डिनाई करता है परमिशन कि वो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट नहीं किया जाना चाहिए, देन द गवर्नमेंट कैन नॉट इंप्लीमेंट दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. सो दिस इज अ पॉजिटिव केस स्टडीज ऑफ हाउ FRA हैज हेल्प ट्राइबल्स टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट. अब यहाँ पर चैलेंजेस क्या हैं इस लॉ के इम्प्लीमेंटेशन में, देखिए, फर्स्ट, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर भी देखा कि अ लॉट ऑफ रिजेक्शन ऑफ इंडिविजुअल अप्लीकेशन अबाउट द टाइटल्स, ठीक है, ओनली 19 लाख आउट ऑफ 52 लाख टाइटल्स हैव बीन अप्रूव्ड टिल डेट. सेकेंडली, नॉन रिकॉग्निशन ऑफ द कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स, इसको भी काफ़ी स्टेट्स में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है. एंड थर्डली, देर इज ब्यूरोक्रेटिक अपैथी बिकॉज ब्यूरोक्रेसी विल ऑलवेज ट्राई टू कंट्रोल द गवर्नेंस. बिकॉज एक बार डिसेंट्रलाइज हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट को लेके डिसीजन मेकिंग पावर, देन ब्यूरोक्रेसी विल लूज इट्स कंट्रोल. सो दे विल ऑल्सो ऑलवेज ट्राई कि डिसेंट्रलाइजेशन मिनिमम हो ताकि ब्यूरोक्रेसी का इंपॉर्टेंस बढ़े, ठीक है. सो बेसिकली ये पॉइंट है यहाँ पर. सो आपको यहाँ पर जस्ट यहाँ पर कुछ प्रोविजन्स याद रखना है फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. और अगर आप ये डेटा पॉइंट याद रख सकते हैं एंड दिस केस स्टडी ऑल्सो, इसको आप डिफरेंट फेज में आपके जैसे एथिक्स के पेपर में यूज़ कर सकते हैं, GS2 में यूज़ कर सकते हैं, GS3 में यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज अ वेरी गुड केस स्टडी विच यू कैन कोट एनी वेयर, राइट. मूविंग ऑन नेक्स्ट. सो हिंदू में एक आर्टिकल अपेयर हुआ है ऑन द इलेक्शन कमीशन. देखिए, प्रीलिम्स में जनरली जो पॉलिटिकल क्वेश्चंस होते हैं उसमें जनरली दे आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम द कमीशन सेक्शन. इट मे बी इलेक्शन कमीशन, इट कैन बी ह्यूमन राइट्स कमीशन, इट कैन बी माइनॉरिटीज कमीशन. सो कमीशन्स आर ऑलवेज रेलेवेंट. प्लस इन GS2 ऑल्सो वन क्वेश्चन इज ऑफन फिक्स्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन कि वो किसी कमीशन की वर्किंग का आपसे एनालिसिस पूछेंगे, राइट. सो उस कंटेक्स्ट में इस साल सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहा है आपका इलेक्शन कमीशन. तो आइए देखते हैं ये पूरी स्टोरी क्या है. देखिए, सो बेसिकली इन कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव आर्टिकल 324 विच सेज दैट इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दैट इज CEC, एंड सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर्स इफ एनी एज द प्रेसिडेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स. सो कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं भी नहीं लिखा है कि जो इलेक्शन कमीशन है इट विल कंप्राइज ऑफ 1 CEC एंड 2 EC, राइट. कॉन्स्टिट्यूशन ओनली सेज कि जो प्रेसिडेंट है ही कैन इंक्रीज और डिक्रीज, ही मे फिक्स द नंबर कि कितने इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे. सो देखिए, इस ट्रैप में हमको नहीं फंसना है बिकॉज प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है. मान लीजिए एक ऑप्शन में लिखा हुआ है कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट इलेक्शन कमीशन शैल कंप्राइज ऑफ 3 members. सो अगर ये स्टेटमेंट है तो ये गलत हो जाएगा बिकॉज दिस इज नॉट मैंशनड हियर इन आर्टिकल 324. द नंबर्स आर नॉट मैंशनड, इट इज अप टू द गवर्नमेंट, इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज दिस पर्टिकुलर नंबर. सो देखिए, अभी तक सिंस इंडिपेंडेंस जो इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट प्रोसीजर था इट वॉज सोनली इन द हैंड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कि बेसिकली कैबिनेट बैठेगा, इट विल डिसाइड, इट विल रिकमेंड टू द प्रेसिडेंट एंड देन प्रेसिडेंट विल अपॉइंट अ पर्सन एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और द इलेक्शन कमिश्नर. बट इससे क्या एलिगेशंस लगे कि भाई अगर सारी पावर्स गवर्नमेंट के हाथ में होगी अपॉइंट करने की
देन गवर्नमेंट कैन अपॉइंट बेसिकली देयर फेवरेट ब्यूरोक्रेट्स जो कि उसको हेल्प करेंगे इलेक्शंस में. सो इसलिए ये डिमांड काफ़ी समय से उठ रही थी कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में होता है, जैसा कि NHRC या फिर CBI में होता है कि कोलिजियम होता है जिसमें लेट से प्राइम मिनिस्टर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, चीफ जस्टिस हैं, जो लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि कौन उस पर्टिकुलर पोस्ट को हेल्प करेगा. सो ये डिमांड यहाँ पे उठी थी दिनेश गोस्वामी कमेटी. दिनेश गोस्वामी कमेटी सेड दैट देयर शुड बी अ 3-member कमीशन कंप्राइजिंग द प्राइम मिनिस्टर, LOP, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड CGI, एंड दे विल डिसाइड कि हु विल बिकम द इलेक्शन कमिश्नर. सो ये पिटीशन बेसिकली इस साल सुप्रीम कोर्ट में लगी थी और सुप्रीम कोर्ट में इन द जजमेंट जिसका नाम है अनूप बरनवाल, इसका नाम याद रखिएगा बिकॉज वी कैन कोट दिस पर्टिकुलर जजमेंट इन GS2 पॉलिटी और सीधे सीधे आपसे प्रीलिम्स नहीं पूछ सकते हैं कि आपको 4 जजमेंट के नाम दे दिए, आपको उसको मैच करना है कि उस जजमेंट में क्या बोला गया था, राइट. सो इन अनूप बरनवाल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट सेड दैट देर शुड बी अ 3-member कॉलेजियम कंप्राइजिंग PM, LOP, CGI. हियर सुप्रीम कोर्ट यूज्ड इट्स पावर अंडर आर्टिकल 142 विच टॉक्स अबाउट डूइंग द कंप्लीट जस्टिस. ठीक है, इस पावर्स को यूज करके सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक 3-member कॉलेजियम होना चाहिए. बट देन गवर्नमेंट ब्रॉट अ बिल इन द पार्लियामेंट विच सेड दैट द 3 members विल कंप्राइज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, अ कैबिनेट मिनिस्टर एंड LOP. सो बेसिकली यहाँ पे CGI को हटा दिया गया इस पर्टिकुलर कॉलेजियम से. सो इसी कंटेक्स में काफ़ी इसका अपोजिशन भी हो रहा है बिकॉज देखिए यहाँ पे 2-member की गवर्नमेंट की मेजॉरिटी हो गई, राइट, एंड देर इज ओनली 1 LOP एंड बाई 2-1 गवर्नमेंट कैन स्टिल अपॉइंट देयर फेवरेट ब्यूरोक्रेट्स एज द इलेक्शन कमिश्नर. सो यहाँ पर यही डिमांड उठ रही है कि इंस्टेड ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर देयर शुड बी CGI इन दिस पर्टिकुलर कमेटी, राइट. चलिए मूविंग ऑन नेक्स्ट. सो अगेन एक आर्टिकल यहाँ पे आया है यूरोपियन यूनियन का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट है उसके ऊपर. जैसा कि हम लोगों ने हमारे प्रीवियस सेशंस में भी देखा था कि रिसेंटली दिल्ली में GPA की समिट हुई है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पर न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भी साइन किया गया था, ये हम लोगों ने देखा है लास्ट लेक्चर्स में. सिमिलरली UK में भी एक AI समिट हुआ था, AI सेफ्टी समिट लास्ट ईयर. ठीक है, सो उसी कंटेक्स्ट में देखिए वर्ल्ड के जितने भी गवर्नमेंट्स हैं या फिर जितनी भी बॉडीज़ हैं दे आर ट्राइंग कि AI का जो डेवलपमेंट है उसको रेगुलेट किया जाए बिकॉज वी डोंट नो कि इसका मिसयूज़ किस किस फॉर्म में हो सकता है. सो उस कंटेक्स्ट में EU ने एक AI एक्ट फॉर्म किया है, उसके हमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन्स पता होने चाहिए बिकॉज सिंपली आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे. ऑल्सो यू कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर थिंग एज ए केस स्टडी इन योर GS3 आंसर्स. मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, आपसे बोला गया है कि हाउ शुड वी रेगुलेट इट, आप कुछ एक वे फॉरवर्ड बताइए, उसमें आप जो है बेसिकली ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इन्हीं पॉइंट्स को आप एज ए वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं. ठीक है, सो आइए देखते हैं इसके प्रोविजन्स हैं क्या. सो द एम ऑफ दिस एक्ट इज टू स्ट्राइव अ बैलेंस बिटवीन रेगुलेशन एंड इनोवेशन, राइट. वी जस्ट डोंट वॉन्ट टू डू ओनली रेगुलेशन, हमें दोनों में बैलेंस चाहिए, रेगुलेशन एंड इनोवेशन. इसमें प्रोविजन्स क्या हैं, फर्स्ट है यहाँ पे आपका रिस्क बेस्ड अप्रोच विच बेसिकली सेज दैट वी नीड टू कैटेगराइज AI एप्लीकेशंस एंड रिस्क लेवल्स. ठीक है, रिस्क लेवल्स फ्रॉम अनएक्सेप्टेबल टू लो, कि मान लीजिए आपने 3-4 कैटेगरीज बना दी जिसमें से फर्स्ट कैटेगरी है आपकी अनएक्सेप्टेबल, उसमें कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होगी जिसका आप यूज़ किसी भी कंटेक्स्ट में नहीं कर सकते हैं और कुछ एप्लीकेशंस फॉल करेगी लो रिस्क लेवल में जहाँ पे विथ रेगुलेशन कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स आर अलाउड टू यूज़ दैट एप्लीकेशन, राइट. सो इट प्रोहिबिट अनएक्सेप्टेबल प्रैक्टिसेस लाइक सोशल क्रेडिट. ठीक है, सोशल क्रेडिट स्कोरिंग, प्रिडिक्टिव पुलिसिंग, मैनिपुलेटिंग इंडिविजुअल बिहेवियर. सोशल क्रेडिट क्या होता है, सो दिस इज बेसिकली कि गवर्नमेंट इज कीपिंग अ चेक ऑन ऑल द इंडिविजुअल्स कि उनका बिहेवियर कैसा है, जिससे उनको कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे एंड लेट्स से किसी इंडिविजुअल के पॉइंट्स बहुत ज़्यादा कम हैं, ठीक है, उसको शायद इलेक्शंस ना लड़ने दिया जाए, उसको शायद गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई ना करने दिया जाए. सो दिस इज नोन एज सोशल क्रेडिटिंग.
काफ़ी न्यूज़ आती है कि चाइना ये चीज़ काफ़ी समय से कर रहा है कि वो हर इंडिविजुअल को प्रोफाइल करके उनका एक सोशल क्रेडिट सिस्टम बनाता है, ठीक है। सो ये चीज़ अलाउड बिल्कुल भी नहीं है इन दिस पर्टिकुलर एक्ट। सेकेंड इज़ प्रिडिक्टिव पुलिसिंग। ये क्या चीज़ होती है कि मान लीजिए आपने AI का यूज़ करके किसी इंडिविजुअल का एक डेटाबेस बनाया, लेट से एक्स इंडिविजुअल, ठीक है, और इस इंडिविजुअल ने मान लीजिए पास्ट में क्राइम्स करे हैं लाइक थेफ्ट, ठीक है, लाइक ही हैज़ हार्म्ड समबडी, ट्राइड टू हार्म समबडी, एंड मान लीजिए कि इन फ्यूचर जहाँ पर ये इंडिविजुअल रहता है उस एरिया में एक सिमिलर केस होता है। सो इन प्रिडिक्टिव पुलिसिंग, पुलिस विल फर्स्ट गो एंड कैच दिस इंडिविजुअल बिकॉज दे नो कि भाई इस इंडिविजुअल की प्रोपेंसिटी ज़्यादा है उस क्राइम को रिपीट करने की, राइट। सो दिस इज नोन एज प्रिडिक्टिव पुलिसिंग। सो ये चीज़ भी यहाँ पर अलाउड नहीं है। प्रिडिक्टिव पुलिसिंग कैन ऑल्सो मीन कि आपने क्राइम होने से पहले ही उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया। मान लीजिए कोई इंडिविजुअल सर्च करता है गूगल पे हाउ टू मेक ए बॉम्ब, राइट। सो कहीं ना कहीं बाय यूजिंग AI यू कैन ट्रैक ऑल सर्चेस, एंड वंस गवर्नमेंट कम्स टू नो दैट दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज थिंकिंग अबाउट डूइंग समथिंग लाइक दिस, दे कैन गो एंड अरेस्ट दैट इंडिविजुअल। सो क्राइम हुआ नहीं है उसके पहले ही आपने उसको अरेस्ट कर लिया बाय प्रोफाइलिंग देयर सर्चेस। दिस इज ऑल्सो द मीनिंग ऑफ प्रिडिक्टिव पुलिसिंग। एंड नेक्स्ट कैन बी मैनिपुलेटिंग इंडिविजुअल बिहेवियर। कि लेट्स से आप यूजिंग द एल्गोरिथम्स यू कैन मेक पीपल बाय स्टफ विच दे डोंट रियली वॉन्ट, राइट। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप डीप फेक का एग्जाम्पल सोच सकते हैं, डीप फेक्स, कि आपने लेट्स से प्राइम मिनिस्टर का डीप फेक बना दिया कि वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं और उससे सोसाइटी में राइट्स हो गए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें अलाउड बिल्कुल भी नहीं है, दिस आर प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट इट टॉक्स अबाउट ट्रांसपेरेंसी, कि जितने भी AI एप्लीकेशन डेवलपर्स हैं दे हैव टू बी ट्रांसपेरेंट अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑन द केपेबिलिटीज एंड लिमिटेशंस ऑफ देयर एप्लीकेशंस। सो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी का भी एक एलिमेंट आया है। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी। सो अकाउंटेबिलिटी में बेसिकली यहाँ पर फाइन लगाने की बात करी जा रही है, रेंजिंग फ्रॉम 1.5% टू 7% ऑफ ग्लोबल एनुअल टर्नओवर ऑफ ए कंपनी। सो उस कंपनी का जो ग्लोबल टर्नओवर है, एनुअल टर्नओवर, उसके ऊपर 7% तक फाइन लगाया जा सकता है अगर वो इन ये प्रोविजंस को वॉयलेट करते हैं। एंड नेक्स्ट इज अबाउट इन्फोर्समेंट। सो इन इन्फोर्समेंट EU विल एस्टेब्लिश AI ऑफिस एंड AI बोर्ड। AI ऑफिस एंड AI बोर्ड, जिसका बेसिकली काम ये होगा कि ये जितने भी रेगुलेशंस बनाए गए हैं इसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना और उस पर एक्शन लेना, प्लस एनी इंडिविजुअल कैन रिपोर्ट नॉन कंप्लायंस। मान लीजिए कोई सिटीजन है EU का, वो देखता है कि लेट्स से एक्स कंपनी जो ये प्रोविजंस बनाए गए हैं इसको फॉलो नहीं कर रही है, सो ही और शी कैन गो एंड कंप्लेन टू द गवर्नमेंट कि दिस कंपनी इज वॉयलेटिंग द लॉ, और उस पर फिर एक्शन हो सकता है। नेक्स्ट, सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम। न्यूज आइटम ये बोलता है कि इंडिजिनियसली बिल्ट यूनिट 4 एट ककरापार अटेन्स क्रिटिकलिटी। सो इंडिया में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी इट कंप्राइज अराउंड 2% 1.5 टू 2% ऑफ द टोटल एनर्जी इंस्टॉल्ड इन द कंट्री, और बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। उन्हीं में से एक पावर प्लांट है हमारा ककरापार नाम से, इसका जो यूनिट 4 है, जिसका फोर्थ आपका रिएक्टर था, उसने क्रिटिकलिटी अचीव करी है। सो एक तो हमें ये याद रखना है कि इस पर्टिकुलर प्लांट की या रिएक्टर की लोकेशन कहाँ पर है। सो इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात, गुजरात स्टेट। क्योंकि देखिए, अब जैसे इस साल एक क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में जहाँ पे उन्होंने 4-5 पोर्ट्स लिस्ट कर दिए थे, मुंद्रा पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, ठीक है, और उसके बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई थी सामने। सिमिलरली प्रीलिम्स में न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे भी क्वेश्चन बन सकता है, बिकॉज पोर्ट्स एज वेल एज न्यूक्लियर रिएक्टर्स दे बोथ आर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, राइट। वॉट इज क्रिटिकलिटी, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? सो बेसिकली क्रिटिकलिटी इज द स्टेट ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्टर व्हेन इनफ न्यूट्रॉन्स आर क्रिएटेड बाय फिशन टू मेक अप फॉर द लॉस्ट फॉर दोज लॉस्ट बाय लीकेज और एब्जॉर्प्शन सच दैट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड इन अ फिशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट।
सो बेसिकली एक स्टेडी स्टेट पे अगर न्यूट्रॉन जनरेट हो रहे हैं उससे एक कंट्रोलेबल फिशन रिएक्शन जनरेट हो सकता है। मान लीजिए न्यूट्रॉन्स कम जनरेट हो रहे हैं बट डिस्ट्रॉय ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, तो उससे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं बिकॉज जो आपका फिशन रिएक्शन है वो आगे नहीं जा पाएगा। सिमिलरली अगर अनकंट्रोल्ड है कि मान लीजिए न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस ही होते जा रहे हैं बट डिस्ट्रॉय कम हो रहे हैं, देन इट कैन लीड टू अ ब्लास्ट, ठीक है, बिकॉज बेसिकली चेन रिएक्शन अनकंट्रोल्ड वे में चलेगी, राइट। सो इसीलिए हम लोग एक कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन चाहते हैं इन द न्यूक्लियर प्लांट एंड दैट इज पॉसिबल व्हेन इट अचीव्स क्रिटिकैलिटी, कि जितने न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इट इज इक्वलेंट टू द न्यूट्रॉन्स विच आर गेटिंग एब्जॉर्ब्ड, राइट। यहाँ पे कौन सा रिएक्टर है? सो बेसिकली प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर विच यूजेस यूरेनियम एज ए फ्यूल एंड हैवी वाटर एज ए कूलेंट। सो ये कुछ पॉइंट्स आप याद रखिएगा फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट, सो अगेन हिंदू में एक आर्टिकल यहाँ पर आया है ऑन द जियो पॉलिटिक्स ऑफ रेड सी, राइट। सो प्रीलिम्स में यहाँ पर हमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मान लीजिए चार ऑप्शन दे दिए, इनमें से कौन सी कंट्री टच नहीं करती है या फिर टच करती है रेड सी को। सो हमें उन कंट्रीज के नाम पता होने चाहिए। सो बेसिकली एक निमोनिक है इसको याद रखने का, वाई सीड्स नाम से। दीज आर दी कंट्रीज, यमन, सऊदी अरेबिया, एरिट्रिया, इथियोपिया, जिबूती एंड सूडान। दिस सिक्स कंट्रीज आर सराउंडिंग दी रेड सी। जैसा कि आप लोग यहाँ मैप में भी देख सकते हैं दैट दिस इज एरिट्रिया, दिस इज योर यमन, यहाँ पे आपका सऊदी अरेबिया आ गया, यहीं पे आपका इथियोपिया भी आ गया, फिर आपका जिबूती है यहाँ पर एंड देन यू हैव सूडान, ठीक है। सो आप यहाँ पे ये चीज़ें याद रख सकते हैं। अ मोर क्लोज वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर मैप यू कैन अगेन सी द कंट्रीज विच आर सराउंडिंग द रेड सी। माफ कीजिएगा, यहाँ पे जो सेकंड ई है आपका, एक्चुअली इथियोपिया इज नॉट टचिंग हियर, इट इज मिस्टेकनली रिटन एज इथियोपिया, इट शुड बी इजिप्ट। सो द सिक्स कंट्रीज आर यमन, सऊदी अरेबिया, ठीक है, एरिट्रिया, इजिप्ट, जिबूती एंड सूडान, ये छह कंट्रीज हैं। इथियोपिया को क्योंकि आपका एरिट्रिया कवर कर लेता है सो इट इज नॉट टचिंग द रेड सी। यू कैन सी इट हियर ऑल्सो, अ मोर जूम्ड इन वर्जन ऑफ द मैप। नेक्स्ट, सो प्लेसेस इन न्यूज एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम होता है प्रीलिम्स में, उस कंटेक्स्ट में हमें कुछ यहाँ पे एक न्यूज आर्टिकल है जो कि हमें याद रखना है। सो बेसिकली सीरा लियोने, ये कंट्री है अफ्रीका में जहाँ पर एक कू अटेम्प्ट किया गया है कि गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने की कोशिश करी गई है। सो हमें बेसिकली इसका लोकेशन याद रखना है, दिस इज सीरा लियोन, कैपिटल इज फ्री टाउन, रिमेंबर द नेम ऑफ द कैपिटल हियर, इट इज सराउंडेड बाय कंट्रीज लाइक माली, ग्वेना, ठीक है, आपका लाइबेरिया, सो दीज थ्री कंट्रीज एंड सीरा लियोने ऑल्सो ओपन्स अप इन द अटलांटिक ओशन, राइट। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पे ज्योग्राफी के टर्म्स में याद रखनी होगी। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स फॉर टुडे। हमने कमेंट थ्रेड में टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा स्मार्ट वर्क लैब्स का, उसकी लिंक पोस्ट करी है, आप उस चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ पर हम लोग डेली ये जो PDF आप देख रहे हैं उसको अपलोड करने वाले हैं, राइट। सो मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट एंड ट्राई रिवाइजिंग दिस थिंग्स ऑन अ डेली बेसिस, देन ओनली आप रिटेन कर पाएंगे फॉर द नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स। थैंक यू।